नमस्कार किसान भाइयों, अलवर मंडी भाव चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्याज के बारे में बात करने वाला हूं कि देश में प्याज का औसत भाव 5 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और जो किसानों की उत्पादन लागत से भी नीचा भाव रह रहा है। भारत की जो प्रतिकूल निर्यात नीति से संबंधित जो है उसी का असर इस भाव पर देखने को पड़ रहा है, तो पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसान भाइयों, देश में प्याज के बाज़ार में तेज़ी के महीने में मंदी दिखाई दे रही है और 5 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है ये भाव। सामान्य रूप से सितंबर से अक्टूबर महीने की इस समय अवधि में प्याज का भाव बहुत ही ऊँचा होता है। देश की जो विभिन्न मंडियाँ हैं उनका जो आधार पर मॉडल भाव 1100 रुपये बोला जा रहा है, जो 2018 के बाद का सबसे नीचा भाव है। 2021 में यह भाव 1454 रुपये था। वहीं अगर बात करें 2020 में 1628 रुपये प्रति क्विंटल, 2019 में 2039 रुपये प्रति क्विंटल था और 2018 में 837 रुपये प्रति क्विंटल के भाव का था। सेतकरी संगठन के जो प्रमुख अनिल घनवटे ने कहा है कि सरकार की पिछली 10 से 15 वर्ष की नीतियां चालू वर्ष में नीचे भाव के लिए जिम्मेदार है। किसान अपनी उत्पादन लागत जितना भी भाव प्राप्त नहीं कर सकते। प्याज की उत्पादन लागत 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आती है और 5 रुपये स्टोरेज के हिसाब से आती है, जिसके सामने प्याज का भाव इस वर्ष 20 रुपये प्रति किलोग्राम तक भी नहीं मिल पाया है। सरकार किसानों के पास से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे और उसके हिसाब से मार्केट में उतारे प्याज, तो इससे किसानों की मदद हो सकती है। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख अजीत शाह ने कहा है कि प्याज का भाव नीचा रहने का मुख्य कारण ठंडी निर्यात मांग है। आर्थिक मंदी के कारण प्याज की निर्यात मांग ठंडी पड़ी हुई है। भारत सरकार द्वारा कभी भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने से उसका भी असर दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने 2019 और 2020 में भी निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय स्थानीय बाज़ार का भाव बढ़कर जो प्याज का 100 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया था। महाराष्ट्र में भी मौसमी वर्षा से भी प्याज की फसल को नुकसान होने से उस समय भी भाव ऊँचा था। तो ये कुछ कारण है कि जो सरकार की जो नीति है उसके चलते भी प्याज का जो भाव है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। सरकार को मदद करनी चाहिए किसानों की। कम से कम 20 रुपये जो प्याज का उसका खर्चा आता है, तो कम से कम 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्याज खरीदनी चाहिए सरकार को। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।